नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरिता। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं बहुत ही टेस्टी शक्कर पारे की रेसिपी। जैसा कि आप जानते हैं, शक्कर पारे को हम दो तरीके से बनाते हैं, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं शुगर कोटेड शक्कर पारे की रेसिपी। तो चलिए चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। एक मिक्सिंग बाउल में मैं 2 कप मैदा लूँगी, जो कि वजन में 250 ग्राम है, और मैं इसमें ऐड करूँगी 60 ग्राम घी। आप चाहें तो डालडा ले सकते हैं। इसको हम मैदे में अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब भी मैं इस मैदे को हाथ में बांध रही हूँ तो ये अच्छे से बंध रहा है। तो इसमें जो मोयन मैंने डाला है वो एकदम परफेक्ट है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूँथ लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा टाइट आटा नहीं गूँथना है, ना ही हमें बहुत ज़्यादा ढीला आटा गूँथना है। और इसको हमें बहुत ज़्यादा मसाज नहीं देनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा डो हो गया। अब इसको मैं रेस्ट करने के लिए 1 घंटे के लिए इसको ढककर छोड़ दूंगी। डो को रेस्ट करते हुए 1 घंटा हो गया है। अब मैं इसको हल्का सा मसाज दूंगी आधा मिनट के लिए, और डो को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। और इसको हम रोटी के आकार का बेल लेंगे। इसको हमें बहुत पतला नहीं करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसको आप मनचाहे आकार में काट सकते हैं, बहुत बड़े बड़े पीसेस में ना काटें। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने शक्कर पारों को काट लिया। आप इसी तरीके से सारे शक्कर पारे को बना लें। अब हम शक्कर पारों को फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में ऑयल को गर्म किया है। तेल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हमें शक्कर पारों को लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। शक्कर पारों को आप बीच बीच में चलाते रहें, जिससे कि इसमें इवनली गोल्डन कलर आए। जैसा कि आप देख सकते हैं, शक्कर पारे हल्के से गोल्डन कलर के हो गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे शक्कर पारे अभी फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको नैपकिन पेपर पर निकाल लूंगी। अब हम बनाएंगे शक्कर पारों पर चढ़ाने के लिए चाशनी। चाशनी बनाने के लिए मैंने ली है 1 कप चीनी, जो कि 200 ग्राम है, और मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 कप पानी। और हम चीनी को मेल्ट होने तक धीमी आंच पर पकाएंगे। और मैं इसमें ऐड करूंगी 1 छोटा चम्मच पिसी हुई हरी इलायची। गैस की फ्लेम को लो रखें और चाशनी को लगातार चलाते रहें, जब तक कि चीनी मेल्ट नहीं हो जाती है। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाती है, आप गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिए। और उसके बाद, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी चाशनी में बबल्स आ रहे हैं। आप इसको चलाते रहें कंटिन्यू। शुगर कोटेड शक्कर पारे में चाशनी का शक्कर पारे पे चढ़ाना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। यदि आपने यहाँ पर ज़रा सी भी गलती कर दी तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब आप शुगर सिरप बना रहे हैं, जब आप चाशनी बना रहे हैं शक्कर पारे पे चढ़ाने के लिए, तो आप बहुत ही केयरफुली सारे स्टेप्स को फॉलो करें, जैसा मैं बता रही हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें बबल्स आ रहे हैं। जब आप इस चाशनी को चलाएँगे तो आपको ये थोड़ी सी
हैवी लगेगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कढ़ाई के किनारे पर चाशनी के पार्टिकल्स हो गए हैं, चाशनी थोड़ी सी हार्ड होने लगी है। जब आपको चाशनी भारी लगे चलाने पर तो आप समझ जाइए कि ये चाशनी शक्कर पारे पर चढ़ाने के लिए अब एकदम से तैयार है। तो आप इसमें तुरंत शक्कर पारे को ऐड कर दीजिए और उसके बाद आप गैस को बंद कर दें और आपको बहुत ही फुर्ती से इसमें शक्कर पारे चलाने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से चाशनी को शक्कर पारे पर चढ़ा रही हूँ, तो आप भी इसी तरीके से करें। यदि आपके शक्कर पारे बहुत ज़्यादा हैं तो या तो आप कढ़ाई बढ़ा लें या फिर आप इनको दो या तीन बार में शक्कर पारों पर आप चाशनी चढ़ाएं। आप शक्कर पारों को एक प्लेट में निकाल लें और इनको ठंडा कर लें। जैसे ही शक्कर पारे ठंडा हो जाते हैं आप उनको किसी भी एयर टाइट जार में भरकर स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे शक्कर पारे बहुत ही बढ़िया तैयार हुए हैं। आप इन्हें कभी भी किसी भी ओकेज़न पर बना सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको मेरी ये शक्कर पारे की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और ये शक्कर पारे बनाइए और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि ये आपके कैसे बने। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।